24 नवंबर 2024 को क्या आप एग्जाम को कंट्रोल कर रहे होंगे या वो कैट का एग्जाम आपको कंट्रोल कर रहा होगा? ये मेजरली तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन इज योर नॉलेज, सेकेंड वन इज योर सेल्फ बिलीफ, एंड द थर्ड वन इज योर माइंड सेट ऑन द डी डे। तीनों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे में जो हम स्कोर्स कर रहे हैं और जो टॉपर्स के स्कोर आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है, क्या माइंड सेट का डिफरेंस है, या कुछ वो अलग कर रहे हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं, हो क्या रहा है, क्यों हमारे मार्क्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो नॉलेज, जो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया। नॉलेज ऑब्वियसली मीन्स दैट आपने कितना पढ़ रखा है, कितना डिटेल में आप गए हो तीनों ही सेक्शन के लिए। क्या आप किसी एक सेक्शन में वीक हो, या तीनों में आप अबव एवरेज कर रहे हो, या तीनों में आप अच्छा कर रहे हो, कैसा आपने अपने ऊपर वर्क किया है एंड कितना आपने अपनी नॉलेज पे वर्क किया है, तो ऑटोमेटिकली वो रेप्लीकेट होगा इन द मॉक टेस्ट एज वेल एज ऑन कैट। कि आप कैसा परफॉर्मेंस दोगे, ये इस चीज पे बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रखता है कि आपने प्रिपरेशन कितना डिटेल्ड वे में जाकर किया है। कोई भी स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता है या बहुत बेसिक लेवल पे चीजें आती हैं, कुछ ज्यादा नहीं सीखा है, वो एकदम से कैट के दिन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। तो इट हैज टू बी द फर्स्ट पैरामीटर कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। नॉलेज एज इन बहुत अच्छा नहीं होगा, बट अबव एवरेज होगा। आपने ठीक ठाक लेवल पे प्रिपरेशन करा होगा, देन यू विल बी एबल टू एस इन द एग्जाम, डिपेंडिंग अपॉन आपने बाकी सारी चीजों को कैसे हैंडल किया। तो सेकेंड चीज आपका सेल्फ बिलीव, उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा किया है। बहुत सारे लोग अच्छा प्रिपरेशन के बाद में भी बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से उनको आते होते हैं, फिर भी वो एग्जाम में एस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सेल्फ बिलीव बहुत कम है। अननेसेसरी वो अपने ऊपर इतना बोझ डाल लेते हैं एक्सपेक्टेशंस का, या कई बार एंग्जाइटी बहुत ज्यादा ले जाते हैं एंड आती हुई चीजें गलत कर देते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होंगी पेपर में जो वो अटेम्प्ट तक नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज प्रेशर बन जाता है बहुत ज्यादा, एंड उस प्रेशर को वो झेल ही नहीं पाते। वो सारे पैरामीटर्स दिमाग में चलते रहते हैं। मे बी आपका कोई फ्रेंड भी साथ में प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके साथ कंपेयर करते हैं अननेसेसरी कि भाई वो बाद में शुरू किया, मैंने पहले शुरू किया, फिर भी मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। देखिए ये आपका बैटल है, आपका पर्सनल बैटल है जिसके ऊपर आप काम करते रहोगे। जस्ट बिकॉज आपका 1, 2, 4, 5 मार्क्स में मार्क्स कम हो गए, आप पीछे हट जाओगे या डर के बैठ जाओगे या एंग्शियसनेस आपका बढ़ जाएगा, आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज्यादा ईयर बाय ईयर कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कैट में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अगर उतने सारे लोगों में लगभग 3.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, पेपर देने जाएंगे इस ईयर, तो अगर इतने सारे लोगों में आप आगे निकलना चाहते हो, नॉलेज तो एक पैरामीटर है बट सेल्फ बिलीव भी एक सेकेंड पैरामीटर होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको बिलीव रखना होगा, मैं कह रहा हूं आपके मार्क्स में मार्क्स नहीं भी आ रहे होंगे, स्टिल आपको ये बिलीव जरूर रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मे बी मेरे मार्क्स में मार्क्स नहीं आ रहे बट मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा, ये नहीं सोच रहा कि चलो ये ईयर का तो अटेम्प्ट गया, मैं वो चीजें अपने माइंड में नहीं रख रहा, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नहीं बन पा रहा अभी, मैं आने वाले मार्क्स में या पेपर के दिन पे बहुत अच्छा करूंगा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। वो अपने आप को समझाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राइट माइंडसेट है वो ऐसा नहीं होता कि आप नेगेटिव अपने आप को कोसते चले जाओ, गिल्ट में चले जाओ। आपको चीजें आती हुई भी खराब होंगी अगर आप अपने लिए नेगेटिविटी भर लोगे अपने मन में, तो वो हटाना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव आपको रखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थर्ड थिंग इज एग्जाम डे पे आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट में मे बी आपका वीएआरसी आपको लग रहा है बहुत अच्छा नहीं गया है, तो क्या आप अपने आप को संभाल के डीएलआर एंड क्वांट्स अपना अच्छा कर सकते हो, या आपका डीएलआर में फर्स्ट 10-15 मिनट्स खराब हो गया, क्या आप बचे हुए टाइम में अपने आप को संभाल के आगे निकल सकते हो, कामनेस है आपके अंदर, ये सारी चीजों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं कि अगर आप कहते हो कि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये हर एक को है जो भी एग्जाम के लिए थोड़ा भी ऐसा फीलिंग है उसको एग्जाम के लिए कि यार हाँ मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, सीरियस है वो अपने एग्जाम को प्रिपरेशन को लेकर, तो हर एक को प्रेशर का फीलिंग होगा। बट आगे कौन निकल पाएगा, जो अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल रखेगा, पढ़ा होगा अच्छे से, बिलीफ रखेगा अपने आप पे और अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल रख के एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करेगा कि जो मुझे आता है क्या मैं उसके अंदर जो है वो स्कोर कर सकता हूं या नहीं। अगर मैं अपने ऊपर बिलीफ रख रहा हूं कि हाँ आई कैन डू दैट, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप एग्जाम में कर पाओगे। नर्वसनेस होना, एंग्शियसनेस होना, आप एग्जाम के पास पहुंचते हुए मे बी नींद ना आना, बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको ओवर पावर मत होने देना अपने ऊपर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा। जो टॉप का 1% जनता है वो कई बार मार्क्स में मार्क्स कम लाता है। हमारी तो देखो बात होता है हर एक स्टूडेंट से, तो हमें तो पता है लास्ट दिनों में कई कई बार ऐसा हुआ स्टूडेंट का सिंगल डिजिट स्कोर आ गया, मे बी वीएआरसी में, मे बी डीएलआर में, मे बी क्वांट्स में, बट फिर भी वो कैट के अंदर जो है वो 99+ का जर्नी जो है वो बना लेते हैं।
तो दैट इज अचीवेबल, बट उसके लिए आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना होगा कि भाई अगर मैं 15 क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरे में उतना कैलिबर है कि मैं 15 अटेम्प्ट करके 15 में से 12, 13, 14 सही कर सकता हूं। अगर वो बिलीफ ही नहीं होगा तो आपका पेन ही नहीं चलेगा इतना कि आप 10 से ऊपर क्वेश्चन बढ़ा पाओ। आपको उतना बिलीफ रखना पड़ेगा, हाँ मुझे चीजें आती है, मैं इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं यहाँ पे और एड ऑन करना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मॉक्स का क्या सिनेरियो है, नवंबर का प्लानिंग मैं कैसे करूं। देखिए मॉक्स ना इस टाइम पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको रोज मॉक देना है, जरूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में 4 मॉक देना है, एक या 2 मॉक्स इज फाइन। अगर आप रोज मॉक्स देना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, एनालिसिस कर रहा हूँ। ओवर बर्डन मत करना अपने ऊपर, ऐसा ना हो कि आप थक जाओ मॉक दे दे के और उसका फिर आपको आउटकम मिलना बंद हो जाए। मजबूरी में मॉक्स मत बढ़ाना कि हाँ मुझे मॉक्स देना है, नवंबर का टाइम है, अपना रिवीजन इंटैक्ट रखना, कैट 2017 ऑनवर्ड्स सारी चीजें जो है वो रैपअप करके रखना, और जो भी आपके वीक एरियाज हैं जो आपने नोट डाउन कर रखे होंगे कि हाँ इन पे मुझे काम करना है, ये मुझे क्वेश्चंस को दोबारा गो थ्रू करना है, उनको दोबारा से गो थ्रू करना। मॉक्स ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि आप सोचो मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड करूंगा इस टाइम पे, नहीं, लिमिटेड मॉक्स रखिए, दैट इज फाइन। अगर आप कॉन्फिडेंट हो प्रिपरेशन को लेकर, देन आप रेगुलर मॉक्स एक दिन छोड़कर मॉक्स आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो दैट इज क्लियर टू यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।